एस लाइट जलाता हूँ, ये वाला हिस्सा एसी का, यहाँ से खोल के आप एसी के ये फिल्टर्स निकाल सकते हो। अगर इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह जमी हुई है तो इसका मतलब ये है कि भाई गाड़ी बिल्कुल भी आपकी सर्विस नहीं होती है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो कार्स 24 है और OLX प्लेटफॉर्म्स हैं जो वेरीफाइड प्लेटफॉर्म्स हैं, काफ़ी ज़्यादा एड्स भी आजकल आते हैं, काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ से आप सबसे सस्ती और बेहतरीन कार्स परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी बारे में हम बात करेंगे और सबसे पहले मैं बताऊँगा कि कार बाज़ार या किसी नॉन आदमी से लेने में और इन लोगों से लेने में क्या अच्छाई या बुराई है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आप कार इन दोनों में से किसी भी व्यक्ति से या कंपनी से लें, आपको कार की नॉलेज होना सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कार के बेसिक्स को नहीं जानते हैं तो आपको कोई भी फूल कर सकता है, कोई भी ठग सकता है, और आप फिर कार के पार्ट चेंज करवाते रहेंगे और आपकी कार जो पुरानी है जो काफ़ी आपको चीप लग रही है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आप सोचते हैं कि इससे बढ़िया मैं EMI पे नहीं गाड़ी लेता। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ तो हमने कहा आपके साथ शेयर करें बात। तो बात करते हैं सबसे पहले कि कार्स जो है उसमें पहले क्या देखना चाहिए। दोस्तों कार में सबसे पहले देखने वाली जो चीज़ है वो है इंजन। इंजन जो है वो कार का हार्ट होता है। अगर इंजन ही बढ़िया नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस होंगे फ्यूचर में, ये बात पक्की है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंजन के मामले में आप क्या टेस्ट कर सकते हैं। जब भी आप कोई भी कार लें उसके पहले आप फुल थ्रॉटल न्यूट्रल पर करके देखें। अगर आपका पीछे का जो धुआं आ रहा है साइलेंसर से वो वाइट आ रहा है, ब्लैक आ रहा है, तो गाड़ी में कोई ना कोई इशू है। आप एक बार मैकेनिक को भी दिखा दें। मेरी राय में वो वाली गाड़ी परचेज ना करें जिसमें आपको ऐसा कोई भी धुआं दिखने को मिल रहा है। बाकी दोस्तों फर्दर बात करते हैं बाद ऐसी कौन सी चीज़ जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। सेकेंड जो चीज़ जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए कि जो गाड़ी का क्लच है, क्लच सिस्टम जो है बहुत मेजर पार्ट होता है गाड़ी का। गाड़ी में अगर क्लच ही बेकार है तो एक मैनुअल गाड़ी में क्लच ही आपको मोस्ट यूज़ होता है। अगर गाड़ी बहुत मल्टीपल ड्राइवर्स ने चलाई होती है ना तो सबका अपना तरीका होता है चलाने का, तो कुछ लोग पैर उस पर क्लच पे रख के चलाते हैं गाड़ी, जिसकी वजह से क्या होता है जो क्लच प्लेट होती है वो ख़राब हो जाती है। तो आप क्या करो, गाड़ी खड़ी गाड़ी पे आप 20-25 बार ना क्लच खूब दबा के देखो, प्रेस कर के देखो, आपको वो थर्ड फील हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या वो वापस आ रहा नहीं आ रहा, क्योंकि आप 25-30 बार जब तुरंत मारोगे ना अगर उसमें हल्का सा भी क्लच प्लेट्स में इशू होगा तो प्रेशर प्लेट्स खराब होंगी, आपको लगेगा कि वो सॉफ्ट सा हो रहा है। हाँ, और उस वजह से क्या होगा कि वो वापस नहीं आएगा। हमारी गाड़ी में हमने ये चीज़ चेक ही नहीं करी थी, हमें पता ही नहीं था। ठीक है, तो गाइस ये एक पॉइंट था जो पहला पॉइंट हो गया इंजन का। दोस्तों कैसे आप चेक कर सकते हैं बेसिक, बाकी आपको मैकेनिक के थ्रू दिखवाना पड़ेगा इंजन बे को भी, वो ज़्यादा अच्छी तरह बताएगा। बेसिक चीज़ें हम आपको बता रहे हैं जो एज आप लेमैन देख सकते हैं। इंजन की बात करी हमने, क्लच पुली सिस्टम की बात कर ली। अब दोस्तों बात करते हैं हम, अब तीसरी जो बात करते हैं हम ये देखते हैं कि ये जो गाड़ी के साइड के ये जो एरिया होता है ना, ये वाला जो एरिया होता है उससे गेट का जो होता है, आप ये रबड़ उतारो गाड़ी की ना, आप ये रबड़ उतारो बाहर की साइड से दिखेगा। हाँ, और इस रबड़ को उतार के देखो कि क्या यहाँ पर कोई भी वेल्डिंग के निशान है। अगर यहाँ पे कोई भी वेल्डिंग के निशान है यानी कि गाड़ी जो है वो बहुत मेजर एक्सीडेंट से होके गुजरी हुई है, यानी कि आपकी गाड़ी में डैमेज बहुत बड़ा डैमेज हुआ था और गाड़ी रिपेयर हो चुकी है, तो ऐसी गाड़ी कभी ना ले। तो ये तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि गाड़ी की आपको ये रबड़ उतार के जरूर चेक कर लें। और दोस्तों ये तो हो गए तीन मेजर पॉइंट जो कि हर किसी व्यक्ति को गाड़ी लेते समय चेक करनी चाहिए। हाँ, अब चौथा पॉइंट देखते हैं कि गाड़ी नॉर्मल खड़े कर दो आप गाड़ी फुल और AC ऑन कर दो। आप ये देखो कि गाड़ी जब AC ऑन कर रहे हैं तो RPM कितना ऊपर जा रहा है। अब गाड़ी जैसे मैंने गाड़ी रोक दी, AC चल रहा है, तो अब आप देखिए कि गाड़ी का AC ऑन है और फुल स्पीड पे ऑन है और गाड़ी का RPM देखो आप 1 के भी नीचे है। तो अगर गाड़ी का RPM AC में बहुत ऊपर जा रहा है यानी कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है। अब बढ़ते हैं आगे, AC काफ़ी अच्छा चल रहा है, मतलब AC काफ़ी ठंडा कर रहा है, ऐसे ठंडा कर दिया ऐसे हल्द्वानी है मौसम। ठीक है गाइस, तो ये तो हो गई AC से रिलेटेड बात। और जब गाड़ी पुरानी हो जाती है तो AC गैस वगैरह पड़ना तो आम बात है, बट ये वाला इशू अगर RPM बढ़ रहा है तो यानी कि आपका
एसी के उसमें रिलेटेड कोई इशू है। अब बात करते हैं आपके माइलेज से रिलेटेड कि आपको कैसे पता लगेगा कि गाड़ी माइलेज वगैरह अच्छा निकालती है निकालती है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, गाड़ी कभी भी ऐसे मत लें जैसे किसी ने बोल दिया भाई गाड़ी बहुत अच्छा माइलेज निकाल रही है, आप गाड़ी भेज दिया करो कि ले लो। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि सामने वाले की मीठे बातों में आ जाते हैं। आप जब भी गाड़ी खरीदें तो आप क्या करो, अपने पैसों का पहले 200 रुपये का तेल पड़वा लो और फिर क्या करो आप 200 रुपये में जितना तेल आया उसकी ट्रिप लगा लो और फिर एवरेज निकाल कर खुद देख लो कि गाड़ी कैसे एवरेज निकाल रही है। हाँ। उससे क्या होगा कि आपके भले 200 रुपये खर्च होंगे पर आप आगे के लिए सिक्योर हो जाओगे कि भाई गाड़ी बची हुई तो नहीं है। हाँ। कि इतनी गाड़ी चली, क्योंकि आजकल क्या होता है यार मीटर पीछे करते हैं तो कुछ पता नहीं लगता कि मीटर कहाँ से पीछे हुआ है। तो आप इस तरह से पता लगा सकते हो कि गाड़ी का एवरेज है कि नहीं। अब ये तो ही एवरेज से रिलेटेड बात। अब आगे बात करते हैं हम कि एक मेजर इशू जो हमने फेस करा और ये कोई बंदा चेक करता ही नहीं है, और आप यूट्यूब के हर वीडियो खोल के देख लो अगर ये पॉइंट मिल गया तो आप मेरा नाम बदल देना। सबसे मेजर पॉइंट, क्या आपका जो सामने की विंडशील्ड है वो ठीक है कि नहीं है। जनरली लोग गाड़ी जो है वो दिन में ही ड्राइव करके खरीद लेते हैं और भाई कहते हैं बढ़िया बढ़िया गाड़ी खरीद ली अपना पैसे बच गए। पर गाड़ी तो यार आपको दिन रात दोनों चलानी है ना, तो दिन रात दोनों चलाने के लिए दिन रात दोनों ड्राइविंग करके भी देखो ना। रात में जरूर चेक करें ड्राइव करके, या आप रात में नहीं चेक कर सकते तो अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन करें और पॉइंट करें विंडशील्ड पर अलग अलग कॉर्नर्स पे और बीच में भी। अगर वो लाइट चार दिशा में फैलती है तो समझ लीजिए कि उसमें माइनर माइनर स्क्रैचेस आ चुके हैं जो कि आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस स्पेशली नाइट में जो आपका काफी ज्यादा हैम्पर। यानी कि जो आपका पिछला ओनर था उसने वाइपर जो है वो सूखा वाइपर चलाया है, यानी कि वाइपर के उसने चेंज ही नहीं करे, क्योंकि काफी ज्यादा दिक्कत वाली बात है। और एक और पॉइंट अब मैं बताता हूँ जो आपको जरूर देखना चाहिए, वो ये है कि जो आपके टायर्स हैं वो एटलीस्ट इतने तो उसमें जान बची हो कि आपके एक साल तो काट लें, क्योंकि आप बीस हज़ार का 18 से 20 हज़ार का मिनिमम खर्चा ही है, क्योंकि आप बेकार टायर तो पड़वाओगे नहीं। हाँ, और पुरानी गाड़ी में गाइस टायर अधिकतर खराब ही होते हैं, अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए। हाँ। क्योंकि वो ग्रिप देंगे आप। हाँ, ट्रेड्स आप देख लीजिए कि उसमें वो धारियाँ जो होती हैं बनी हुई नहीं है, जितनी ज़्यादा घिसी हुई होंगी उतना ज़्यादा उनकी कार की वैल्यू डाउन होती है और साथ में आपके खर्चा भी बढ़ता है दोस्तों। एक बार आपको मैं बोनट खोल के दिखाता हूँ गाड़ी का कि कैसे आपको लेनी चाहिए। तो भाई जरा मदद करना इसे खोलने में। तो जैसे ये हमारी कार है, तो अब मैं कुछ हैक्स बताता हूँ कि कैसे आप पता लगा सकते हो कि गाड़ी आपकी वेल मेंटेन्ड है कि नहीं। सबसे पहले आप ये वाला जो है इंजन ऑयल इसको निकालो और इसको चेक करो अपनी उंगली लगा के, क्या आपके हाथ में चिपक रही है। अगर काला काला आ रहा है यानी कि गाड़ी भाई साल भर से ऊपर हो गया, सर्विस नहीं हुई है। सेकंड आप ये चेक कर सकते हो ये वाला जो है ये आपका एयर फिल्टर, ये अगर बहुत काला है यानी कि गाड़ी सर्विस नहीं होती बिल्कुल। इसी के साथ मुझे एक और बोनस टिप याद आई है जो कि आप वेट करिएगा लास्ट वीडियो को बताऊंगा मैं। हाँ। क्योंकि सबसे ज़्यादा एसेंशियल है सभी चीज़ें, ठीक है। तीसरा आप ये चेक कर सकते हैं कि अगर ये कूलेंट है, कूलेंट का लेवल बहुत ज़्यादा डाउन है तो भी भाई गाड़ी सर्विस बिल्कुल नहीं होती, इवन पानी तक नहीं पड़ता गाड़ी में। चौथा आप ये देख सकते हैं जो वॉशर वगैरह है, ये वॉशर इसमें अगर आपको बहुत पानी जा रहा है, क्योंकि वैसे तो हल्की बॉटल डालते भर जाते हैं, ठीक है। तो आप ये सब पॉइंट देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस वाले पॉइंट की जो अंदर से दिखाऊंगा मैं। ये वाला जो पॉइंट है वो ये है कि आपको ये चेक करना है कि भाई इस गाड़ी की सर्विस होती ही नहीं होती है। तो ये वाला हिस्सा जो है, फ्लैश लाइट जलाता हूँ, ये वाला हिस्सा एसी का, यहाँ से खोल के आप एसी के ये फिल्टर्स निकाल सकते हो। अगर इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह जमी हुई है तो इसका मतलब ये है कि भाई गाड़ी बिल्कुल भी आपकी सर्विस नहीं होती है। एक और पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि डिक्की भी चेक कर सकते हो कि यार इसके जो प्रेशर पाइप्स हैं वो काम कर रहे नहीं कर रहे हैं। जैसे हमने डिक्की को जनरली चेक नहीं करता है, तो हमने ले ली थी पर बाद में पता लगा कि इसके प्रेशर सीधी बात उतावलेपन में कोई गाड़ी ना। हाँ, हर चीज़ चेक करें, छोटी छोटी चीज़ की कि भाई गाड़ी सस्ती मिल रही है तो ले लो बस, छोटी छोटी चीज़ की, ठीक है। चलते हैं, अब भाई गाड़ी चलाएगा, फट से सीट बेल्ट लगा लेते हैं गाइस। बिना सीट बेल्ट में होता है लग जा। तो सील बेल्ट लगा लिए गाइस, अब चलते हैं आगे।
और फटाफट से यार वीडियो लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जो भी सेकंड हैंड गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं। और हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट करा था कि आप बहुत प्रैक्टिकल वीडियोस बनाते हो, तो इस चैनल का जो मेन मोटिव है यार वो यही है कि आपके पास कोई भी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचानी, कोई भी झूठ नहीं पहुँचाना है, बिल्कुल रियलिटी पहुँचानी है। और भाई कोई अगर पॉइंट रह गया हो तो आप? सबसे बेसिक पॉइंट और मैंने बताया कि सर्विस 100 बार कहूँगा आपको बोरियत मिलेगी तो भी मैं कहूँगा, क्योंकि मैं भी काफ़ी पैसे बचाने में बिलीव करता हूँ। ये चैनल में आपको मनी टिप्स भी मैं देता हूँ कि आप कैसे पैसे बचा सकते हैं। यार हम लोग थोड़ा रहता है कि पैसे बचा लें, सबका रहता है। मिडिल क्लास मैन होने के बावजूद मैं आपको बताना चाहूँगा, आप प्लीज़ गाड़ी के लिए कोई कंजूसी ना करें, पार्ट्स हमेशा जेन्युइन पढ़वाएं। एक टिप मैं और देना चाहूँगा, अगर आप पहली अगर आप गाड़ी खरीद रहे हो जिस दिन भी सेकेंड हैंड गाड़ी, तो गाड़ी सर्विस पहली वाली कंपनी में करवाओ, पहली गाड़ी की सर्विस जो है वो कंपनी में करवाओ, क्योंकि वहाँ पे भले यार पार्ट्स महंगे पड़ते हैं पर सीरियसली जेन्युइन पार्ट होता है और उसका एक पार्ट की जो वैल्यू है हम खुद प्रैक्टिकल देख चुके हैं, इसीलिए आपको कह रहे हैं। हाँ तो भाई अब वीडियो एंड करें। हाँ दोस्तों अब वीडियो एंड करते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो गई है, आप देख सकते हैं थोड़ी सी अब रोशनी भी डिम हो गई है तो चेहरे भी वैसे। और गाइस ये अब इसके फ्रंट कैमरे शूट हो रही है नॉर्ड की, तो आप वो भी जज कर सकते हैं कि कैसी क्वालिटी है नॉर्ड की। और लाइट चलाते हैं, अगर मैं चलाता हूँ तो ये अपने कार की लाइट चलाती है। तो गाइस वीडियो को एंड करते हैं, अगर आपके अभी भी कोई डाउट हो कि सेकेंड हैंड कार खरीद, अगर आपको ये भी लग रहा है कि कौन सी कार खरीदें सेकेंड हैंड में, तो आप वो भी कमेंट डाउन कर सकते हैं, हम उसमें मदद कर सकते हैं, क्योंकि यार हमें लगभग अब इतने सारे पॉइंट्स हैं दोस्तों कार्स के लिए कि दिन खत्म हो जाएगा पर वीडियो खत्म नहीं होगा। ये कुछ 4-5 मेन पॉइंट्स थे जो कि बेसिक कहो एडवांस कहो कितनी भी वीडियो बना दो कोई नहीं बताएगा। ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको सबसे ज्यादा जरूरी है जानने, क्योंकि हमने खुद झेल रखा है, रियल यूजर बताएगा, हमें किसी ने बताया नहीं, हमने भी 100 वीडियो देख रखी है फिर भी हमने गलती करी, तो आपको इसी वजह से हम ये वीडियो बना रहे हैं कि अभी भी ये कंटेंट मिसिंग है YouTube। हाँ तो गाइज आज की वीडियो को ये एंड करते हैं, आपके कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, आपका तुरंत रिप्लाई होगा, तुरंत आपके कमेंट का रिप्लाई होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई तो यार मैं हमेशा कहता हूँ वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है, कमेंट जरूर और कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जो सेकेंड हैंड कार खरीदना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, बताइएगा कॉन्टेंट कैसा लगा, और ये हर संडे आपको ये कॉन्टेंट मिलेगा। तो गाइस आज की वीडियो को एंड करते हैं, शायद आप लोग गलत रास्ते पे आ गए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, मचाते रहो।